नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर से। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं आप लोगों के, जिन लोग स्कूल में हैं, और बाकी लोग तो समर वेकेशन के लिए अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जा रहे हैं। सो हमने सोचा थोड़ा सा गर्मी से थोड़ी राहत चाहिए तो किसी हिल स्टेशन जाया जाए। सो मैं उस तरफ नहीं गई हूँ जहाँ आपको इस बार लेकर के जा रही हूँ। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, आपको ही बताती हूँ कहाँ लेकर के जा रही हूँ। इस बार मैं आपको लेकर के चल रही हूँ कैलिंगपोंग। इट इज अ हिल टाउन इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में है ये। बहुत ही सुंदर जगह है। दार्जिलिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, और ये उसके पास ही है कैलिंगपोंग। बहुत सुंदर जगह है दार्जिलिंग। अपने आप में उसकी खूबसूरती अलग है, कैलिंगपोंग की खूबसूरती अलग है। अभी थोड़ी देर बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। मैं भी पहली बार जा रही हूँ, मुझे पता नहीं। जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपसे भी रूबरू होंगी मैं उसी वक्त। बारिश भी शुरू हो गई थी। सो ये है तीस्ता ब्रिज, ये देखिए। ये है तीस्ता रिवर, हरे रंग का पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर। शुरू किया था हमने सिलीगुड़ी से, और ये तीस्ता नदी वहां से हम लोग के साथ साथ चल रही है। खूबसूरत नजारा। जेट कलर वाटर, इजंट इट। चलिए आपसे मिलती हूँ कैलिंगपोंग में थोड़ी देर में। यो मैन, ये है होटल विंड सॉन्ग्स। बहुत ही खूबसूरत है ये, आप देखिए। यू ब्यूटिफुल। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया। हियर आर द बुक्स यू कैन रीड। इट्स लाइब्रेरी। दिस इज़ द डाइनिंग रूम। आप यहाँ पे भी आकर के अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ले सकते, या आप बाहर भी जाके ले सकते अपने रूम के पास। नाइस। Let's look at the size, man. It's huge. और आपको पता है ये करीब 70 से 80 साल पुराना ये कैक्टस है। और जैसा कि बताया अभी मैम ने कि ये सबसे पुराना यहाँ का नर्सरी है कैलिंगपोंग का। हाय गुडनेस, कितना सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी बोल पड़ेगा ये। इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल। Teesta River. Yes, that's the. It is there. Yes. It is. Oh wow, lovely. You can see the mountain range, but then the weather has been such, you know. Bini, you can see Teesta River from here also. Just look at the view. It's looking so beautiful. That stream is there. There are flight of stairs, but then So ye hai hamara cottage.
और ये देखिए व्यू, वो जो दूर में वो देख रहे हैं ये पूरा, ये आपका तीस्ता रिवर है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आकर के आप अपना लंच या डिनर, डिनर तो नहीं, लंच या ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। डिनर टाइम में थोड़ा अंधेरा हो जाता है और यू नो इंसेक्ट्स भी रहते हैं, सो इट्स ब्यूटीफुल। सो ये है सिटिंग एरिया एक स्मॉल। क्या नजारा है, और ये जो वॉशरूम है यहाँ पर जितने भी रूम्स है उसके साथ नॉर्मल जो शावर है, बट इसके साथ जो आपका इस कॉटेज के साथ आपका एक वाटर भी है, नज़ारा भी है, लवली। यहाँ के हर एक कोना खूबसूरत है, देखिए आप। थोड़ी देर में मैं अभी अभी तो जस्ट टाइम थोड़ा सेटल डाउन होती हूँ, लंच भी करती हूँ। आपको यहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट जो भी करना है ना उसके लिए थोड़ा पहले बोल देना होता है, जैसे लंच के लिए भी, क्योंकि ये लोग बहुत एक तरीके का अपस्केल होम स्टे है, तो आपको अगर लंच अगर ऑर्डर करना है तो कुछ मतलब 3 घंटे पहले कर देना होता है। नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए आपको एक दिन प्रायर बताना पड़ता है कि आप क्या लेंगे, सो दैट ये लोग अरेंज कर सके। So our lunch would be served here. ये नज़ारा है। So okay. शुक्रिया, thank you. So ये है थुक्का and ये आपका wow momos. So इस नज़ारे के साथ यहाँ पे गरम गरम मोमोज और साथ में थुपका, मज़ा आ जाएगा। वेदर भी बहुत कूल है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए सामने का ये नज़ारा आपको भी दिखा रही हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। वाह, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। सो चलिए थोड़ा सा पहले थुपका ट्राई करके देखती हूँ। टू गुड, एक स्मोकी फ्लेवर भी है थुपका में, इट्स नाइस। बेली कम, कम हियर एंड शी इज बेली, कम बेली। Look at this. Look. See, you are here with me. Belly. Belly. Busy. She's Belly. Beautiful. Belly, sweetheart. Belly. Belly. She doesn't know.
छोड़ दीजिए वो अपने आप में बिजी है। वाह, बताइए कैलिंपोंग आकर के आपको मेरे साथ कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। और आगे आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे सरप्राइजेज है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें है। अगर हम नॉर्थ बंगाल आए हैं तो यहाँ पे और इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर करके आएगी। डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए आज अभी इस एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले एपिसोड में आपको बहुत और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगी। टिल देन बाय, टेक केयर।